मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से पूर्व सीएम कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटाने को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष थे। पटवारी और उमंग दोनों ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत को नेता विपक्ष बनाया है। हालांकि यहां दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाए गए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आदिवासी सीएम कार्ड की काट के लिए नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आदिवासी समाज से बनाए हैं। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही चर्चा थी कि पार्टी बड़ा बदलाव करेगी। दोनों ही राज्यों में हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में भी पार्टी इसी तरह का बदलाव कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर ये बदलाव अहम माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की ओर से किए गए बदलावों पर प्रतिक्रिया देते हुए बधाई दी। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा, श्री जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, श्री उमर सिंघार को कांग्रेस विधायक दल का नेता और श्री हेमंत कटारे को उपनेता मनोनीत किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की राऊ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें बीजेपी के मधु वर्मा ने 35,000 से अधिक वोटों से मात दी थी। इस सीट से 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में पटवारी ने जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं शक्ति विधायक बड़े भैया डॉक्टर चरणदास महंत जी को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। संसदीय मामलों में आपका प्रदीर्घ अनुभव निश्चित ही हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली और पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। इस चुनाव में कांग्रेस मात्र 66 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यहां 5 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को 90 सीटों में से महज 35 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया है।